हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्लेवर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ झटपट बनने वाले आंवला और मिर्ची के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। झटपट आंवला मिर्ची का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम आंवला लिया है। आंवले को हम इस तरह से छन्नी वाले बर्तन में रखेंगे और इसे भाप में पकाएंगे। अलग अलग तरह के बहुत सारे स्टीमर आते हैं, आप आंवले को किसी भी तरह के स्टीमर में रख कर स्टीम कर सकते हैं। आंवले को हम 10 से 15 मिनट तक भाप में पकाएंगे। जब तक आंवले पक रहे हैं तब तक हम मिर्ची की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ 100 ग्राम हरी मिर्च लिया है। मिर्च के डंठल को तोड़कर निकाल देंगे। इसे मैंने पहले से ही पानी से धोकर साफ कर लिया है और एक साफ कपड़े से पोंछकर इसका पानी अच्छी तरह से सुखा लिया है। इसे कैंची या चाकू से बीच से काटकर दो भाग कर लेंगे। इस तरह से मैंने सारी मिर्चों को दो भाग में काट लिया है। अब हम आंवले को चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आंवले अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और आंवले को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। जब तक आंवले ठंडे हो रहे हैं हम अचार में डालने का मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए हम एक तवा गरम करेंगे। उस पर एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच सरसों, आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच जीरा डालकर हल्का सा भून लेंगे। मसालों को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे। ज़्यादा देर तक भूनने से मसालों का टेस्ट कड़वा हो जाता है। मसाले भून गए हैं, इसे हम प्लेट में निकाल कर ठंडा करेंगे। जब मसाले ठंडे हो जाएं, तब इसे मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। इधर आंवले भी अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। आंवले की कलियां अलग अलग कर लेंगे। जैसे मैंने सारे आंवले की कलियों को अलग कर लिया है। अचार बनाने के लिए हम कढ़ाई में 1/4 कप सरसों का तेल गरम करेंगे। जब इसमें से धुआं उठने लगे तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस तेल को हल्का ठंडा करेंगे। तेल पूरी तरह से ठंडा नहीं होना चाहिए। जब तेल हल्का गर्म ही रहे तभी हम उसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी अजवाइन और कलौंजी डालेंगे। हमने जो मसाला तैयार किया था उसे डालेंगे। 2 चम्मच या स्वादानुसार नमक डालेंगे और इन सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसके साथ ही स्टीम किए हुए आंवले को डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। लास्ट में इसमें 2 चम्मच व्हाइट विनेगर डालेंगे, जिससे अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा और इसकी सेल्फ लाइफ और भी बढ़ जाएगी। और ये लीजिए फ्रेंड्स, झटपट आंवला मिर्च का बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनकर तैयार है। आप इसे तुरंत खा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप जब भी चाहें इसे हफ्ते 10 दिन के लिए बनाकर रख सकते हैं। इसे ज़्यादा दिनों के लिए रखना चाहें तो इसे हमेशा फ्रिज में रखें। यह अचार टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी बहुत होता है। आंवला तो अपने आप में ही इतना गुणकारी होता है कि हम सभी को अपनी डेली की डाइट में इसे ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो आप भी इस टेस्टी और सुपर हेल्दी अचार की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।